गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज असं अपना जो नैक्सट टॉपिक डिस्कस कर जा रहे हैं वो टॉपिक है सैटर्न एंड स्टीन वीव। सैटर्न एंड स्टीन वीव के असी सब तो पहला इसकी इंपॉर्टेंट करैक्टर्स बारे पढ़ा कि सैटर्न एंड स्टीन वीव की इंपॉर्टेंट फीचर्स की ने, कि वो खासियत की ने। द इंपॉर्टेंट करैक्टर्स आर फस्ट सैटर्न इज ए वार फेस फैब्रिक और स्ट्रक्चर वाइल स्टीन इज ए वेफ्ट फेस फैब्रिक और स्ट्रक्चर। यह तुम जिस तरह फिगर च राइट साइड पर देख पा रहे हो, दिस इज योर सैटर्न फैब्रिक एंड दिस इज योर स्टीन फैब्रिक। राइट साइड पर यह वाला सैटर्न फैब्रिक है, लैफ्ट साइड पर स्टीन फैब्रिक है। हम तुम इन्ना पता है कि जो फैब्रिक है वह वार ते वेफ्ट की हेल्प के नाल बनता है। वार्प वो धागा जो कपड़े दे विच वर्टिकल होंगे, जो एवला धागा है, दिस इज योर वर्टिकल, दिस इज योर वार्प। तो यह जरा चिट्टा धागा तुम देख पा रहे हो दोनों कपड़े दे विच, यह तुहाडा वेफ्ट है, दिस इज योर वेफ्ट। सो आ वार्प है, जो वर्टिकल धागा कपड़े च वो तुहाडा वार्प है, जो होरिजेंटल धागा है वो तुहाडा वेफ्ट है। यह दोनों की हैल्प के नाल हमेशा कपड़ा, इन्हां दी आपसी इंटरलेसमेंट के नाल हमेशा कपड़ा बनता है। सो जिस कपड़े के उत्ते वार्प की प्रोमिनेंसी होएगी वो साडा सैटन फैब्रिक होएगा, यही कह रहा है सैटन इज ए वार फेस फैब्रिक या स्ट्रक्चर। तो जो स्टीन होएगा, स्टीन इज ए वेफ्ट फेस फैब्रिक और स्ट्रक्चर। स्टीन के उत्ते आ देखो चिट्टे धागे की प्रोमिनेंसी ज़्यादा है, चिट्टे धागे का फ्लोट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह का जो फैब्रिक है यू असं कहेंगे दैट इज योर स्टीन फैब्रिक। नैक्सट सैटन प्रोड्यूसेस स्मूथनेस एंड लस्टर ऑन फैब्रिक सरफेस वाइल स्टीन प्रोड्यूसेस नो लस्टर ऑन फैब्रिक सरफेस। जिहड़ा सैटन का फैब्रिक है, यह वाला सैटन का फैब्रिक जिस पर वार फ्लोट होंदा है, वो कपड़े पर लस्टर प्रोड्यूस करता है, मीनस कपड़े के उत्ते शाइननेस प्रोड्यूस करता है। लस्टर होंदा शाइननेस एंड शाइननेस, स्मूथनेस होंदी है, उहदा जिहड़ा कपड़ा सरफेस होंदा वो बड़ा स्मूथ जिहा होंदा। सो सैटन प्रोड्यूसेस लस्टर एंड स्मूथनेस ऑन फैब्रिक सरफेस, पर स्टीन जड़ी है वो कपड़े के सरफेस के उत्ते लस्टर प्रोड्यूस नहीं करती। यह वाला फैब्रिक जड़ा कि वेफ्ट फ्लोर के नाल बनया होता है। नैक्सट सैटन इज द रिवर्स साइड ऑफ स्टीन वीव। सैटन स्टीन का कपड़ा हमेशा रिवर्स टाइप का बनता है, मीनस अगर कपड़े के सरफेस के उत्ते कपड़े के फेस साइड पर अगर सैटन है तो उसकी बैक साइड पर स्टीन बनेगी। अगर कपड़े के सरफेस के उत्ते अगर स्टीन बनेगी तो वह ऑटोमैटिकली बैक साइड पर सैटन बनेगी। सो इस तरह यह वाला जो फैब्रिक है हमेशा रिवर्स फॉर्म के बनता है, अगर उत्ते स्टीन है तो थले सैटन है। हैव नो प्रोमीनेंट वीव स्ट्रक्चर ऑन वीव स्ट्रक्चर ऑन फैब्रिक। आम असी जी भी असी प्लेन वीव या ट्विल वीव असी पढ़ी है, उस विच की एक पर्टिकुलर वार्प ते वेफ्ट की इंटरलेसमेंट का एक प्रॉपर पैटर्न होंदा है, वो आपस एक प्रॉपर पैटर्न के इंटरलेसमेंट करते हैं। जिस तरह प्लेन वीव है वो वन अप वन डाउन के इंटरलेस करती है, ट्विल वीव है जिस तरह टू अप टू डाउन है, मीनस वार्प का धागा दो वेफ्ट के उत्तों जाएगा फिर दो वेफ्ट के नीचों जाएगा। पर इस पर्टिकुलर सैटर्न स्टीन वीव के कोई फिक्स इंटरलेसमेंट पैटर्न नहीं होता, वार्प ते वेफ्ट की इंटरलेसमेंट का कोई फिक्स इंटरलेसमेंट पैटर्न नहीं होता, जिस करके यदा कोई प्रोमीनेंट वीव स्ट्रक्चर कपड़े के उत्ते अं नहीं कह सकते कि यह इस पर्टिकुलर पैटर्न के नाल वार्प ते वेफ्ट आपस में इंटरलेस कर रहे हैं। नैक्सट है इट इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ मूव नंबर और काउंटिंग नंबर विच रिप्रजेंट्स द बाइंडिंग पॉइंट ऑन फैब्रिक। ये जी सैटन एंड स्टीन वीव है ये ग्राफ पेपर के उत्ते कंस्ट्रक्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ मूव नंबर और काउंटिंग नंबर विच रिप्रजेंट्स द बाइंडिंग पॉइंट इन फैब्रिक। अगर तुम यह वाला सैटन का फैब्रिक देखो राइट साइड पर, असी कहा जी ये जो सैटन का फैब्रिक है ये वार फ्लोर के नाल बनता है, दिस इज योर यह जो ब्लैक कलर का धागा दैट इज टोटली इज योर वार फ्लोट। बट तुम एक चीज़ देखोगे कि यह जो वाइट कलर का धागा इधर आ रहा है, वाइट कलर का जो वेफ्ट आ रहा है, यह एक बार ये थल्ले होकर जाता पे, यह देखो यह ब्लैक कलर का वार्प आ रहा है, बट यह दो नंबर वेफ्ट जो कि मेरा वाइट है उसके नीचे होकर फिर फ्लोट लंबा दे रहा है, वार फ्लोट ही देगा सैटन का फैब्रिक, बट एक जगह पर हमेशा डाउन जाएगा। ये जिस जड़े वेफ्ट के नीचों जा रहा है, ठीक है, ये असी सिलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मूव नंबर, दिस इज योर मूव नंबर और काउंटिंग नंबर। ये असी केड़े वेफ्ट के नीचे लेके जाना है,
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਟੀਨ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਵਾਈਟ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਫਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਸ ਸੀ ਵੈਫਟ ਫਲੋਟ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੈਫਟ ਦਾ ਫਲੋਟ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਵੈਫਟ ਦਾ ਫਲੋਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਾਰਪ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰਪ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੂਵ ਨੰਬਰ ਔਰ ਕੰਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਮੂਵ ਨੰਬਰ ਸਾਟਨ ਸਟੀਨ ਵੀਪ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਪ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਵ ਨੰਬਰ ਔਰ ਕੰਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਬੰਡ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵੈਫਟ ਦਾ ਧਾਗਾ ਇਸ ਵਾਰਪ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੀਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਫਲੋਟ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਵਾਰਪ ਤੇ ਵੈਫਟ ਆਪਸ ਚ ਇੰਟਰਲੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਸ ਵੈਫਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਲੇਸ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਲੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਮੀਨਸ ਸਟਿਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ ਚ ਧਾਗੇ ਆਪਸ ਚ ਸਟਿਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਪ ਤੇ ਵੈਫਟ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਇੰਟਰਲੇਸ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੂਵ ਨੰਬਰ ਮੂਵ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਆਫ ਦ ਵੀਪ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕੋਈ 4x4 ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 4 ਲੈ ਲਓ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਰਿਪੀਟ ਆਫ ਦ ਵੀਪ ਅਗਰ 4x4 4 ਐਂਡ 4 ਪਿਕ ਦੀ ਰਿਪੀਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚ ਮੂਵ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ 4x4 ਦਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 6x6 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਵ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 6 ਜਾਂ 4 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਰਿਪੀਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ 1 ਲੈਸ ਦੈਨ ਰਿਪੀਟ ਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਐਸਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 4x4 ਦੀ ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ -1 ਕਰ ਦਿਓ 1 ਲੈਸ -1 ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 3 ਉਹ 3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ 6x6 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ -1 ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 5 ਤਾਂ 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹ 1 ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਰਿਪੀਟ ਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ 4x4 ਦਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਦੁਨੀ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 9x9 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਤੇ 9 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4x4 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 2 ਦੁਨੀ 4 ਤਾਂ 2 ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ 2 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਨਲੀ 1 ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਈਚ ਐਂਡ ਔਰ ਪਿਕ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 1 2 3 4 ਇਹ 4 ਤੱਕ ਗਿਣ ਤੱਕ ਰਿਪੀਟ ਹੈ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਹੈ 6x6 ਦਾ 6 ਵਾਰ 6 ਵੈਫਟ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਗਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ 6 ਪਿਕਸ ਪੈ ਰਹੀਆਂ 1 2 3 4 5 6 6 ਪਿਕ ਪੈ ਰਹੀਆਂ 6 ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਲੋਟ ਕਰੇਗਾ ਇਸ 6 ਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਟ ਇੱਕ ਪਿਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੂਵ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਆ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗਿਆ ਬਟ 2 ਨੰਬਰ ਵੈਫਟ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਕੀ 4ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਫਲੋਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੈਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਲੇਸ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਵਾਰਪ ਦਾ ਧਾਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ 6 ਵੈਫਟ ਦੇ ਧਾਗੇ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਹੀ ਵਾਰਪ ਦੇ ਧਾਗੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਪ ਦਾ ਧਾਗਾ ਵੈਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਲੇਸ ਕਰੇਗਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਰਪ ਦਾ ਧਾਗਾ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਵੈਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਤੋਂ ਫਲੋਟ ਕਰ ਗਿਆ ਅੱਗੇ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਰਪ ਆਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਧਾਗੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ 4 ਨੰਬਰ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 2 ਧਾਗੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੀਨਸ ਇਹ ਅਗਰ ਪੂਰੀ 6x6 ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਪ ਦਾ ਧਾਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਟਰਲੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਟਰਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਓਕੇ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸੇਮ ਧਾਗਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨੀਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਵੈਫਟ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦਾ
ओनली वन बाइंडिंग पॉइंट इन ईच एंड और पिक्स। अगर एंड वाइज देख लो तद भी एक बाइंडिंग एक वेफ्ट के नाल इंटरलेसमेंट चाहिए है। अगर तुसी वेफ्ट वाइज देख लो तो यह वेफ्ट का धागा भी वार्प के नाल सिर्फ एक रिपीट के विच एक ही जगह इंटरलेसमेंट या बाइंड करेगा। हैव लैस बाइंडिंग पॉइंट और मोर फ्लोट लेंथ। चाहे तो ही स्टीन का फैब्रिक देख लो या साटन का फैब्रिक देख लो, इन्हें बाइंडिंग पॉइंट ए वाले बाइंडिंग पॉइंट देखो, ए दिस इज योर बाइंडिंग पॉइंट जिथे वार्प या वेफ्ट के नाल इंटरलेस करते हैं जिथे डाउन जाते हैं। कहता बाइंडिंग पॉइंट इन्हें घट होंगे ने ते फ्लोट लेंथ ज्यादा होती है। देखो इतने वार्प की फ्लोट लेंथ ज्यादा है साटन के, वेफ्ट की फ्लोट लेंथ ज्यादा है, बाइंडिंग पॉइंट दोनों घट ने। हैव पुअर सीम स्ट्रेंथ ड्यू टू थ्रेड मोबिलिटी। जिस कपड़े के जिन्ना लंबा फ्लोट होएगा उस कपड़े उस पर्टिकुलर कपड़े की सीम स्ट्रेंथ उन्नी ज़्यादा घट होएगी, पुअर होएगी। मीनस अगर किसी कपड़े असी किसी लंबा फ्लोट देता तो ऐसे कपड़े असी अगर स्टिच करना चाहिए तो सूँ स्टिचिंग दे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो, अगर वो स्टिच भी कर दिता जाएगा तो वो जी सीम जिथे बजी दी वो स्ट्रेंथ बड़ी घट होएगी, दैट इज योर सीम स्ट्रेंथ। सो अगर असी किसी कपड़े की बड़ी अच्छी सीम स्ट्रेंथ चाहते हैं तो उस इंटरलेसमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। तो जिस कपड़े के फ्लोट लेंथ ज़्यादा होएगा, जिस तरह यह साटन स्टीन के कपड़े के फ्लोट लेंथ ज़्यादा होता है, इस करके इस पर्टिकुलर कपड़े की जिहड़ी सीम स्ट्रेंथ है वो घट होती है। नो कॉन्टीन्यूस ट्विल लाइन, इस पर्टिकुलर साटन स्टीन के फैब्रिक के ट्विल लाइन, जिस तरह ट्विल लाइन की कॉन्टीन्यूस डायगनल लाइन कपड़े क्रिएट करती है, इस तरह ट्विल इस तरह क्रिएट होती है, डायगनल लाइन कपड़े से क्रिएट करती है। बट ये की है पर्टिकुलर एक पैटर्न नहीं होंगे डायगनल लाइन एच नो पॉइंट एच लाइन तो बनती है बट कॉन्टीन्यूस नहीं बनती, इस तरह सीधी नहीं बनती, कुछ अलग तरीके बनती। जो तुम ग्राफ करोगे तो तुम्हें एक चीज़ क्लीयर होएगी। इट इज यूज फॉर डैनिम सूटिंग शर्टिंग ड्रेस मटीरियल। ये जी पर्टिकुलर एवली वीव है वो डैनिम जीन का कपड़ा जो डैनिम बनती डैनिम जीन सूटिंग्स वास्ते शर्टिंग वास्ते ड्रेस मटीरियल वास्ते यूज की जाती है। तो इस पर्टिकुलर फैब्रिक बनाने जो धागा यूज किया जाता वो रेयन सिल्क नायलन तो कॉटन का भी असं यूज कर सकते हैं। नाउ यह थोड़ा कंपैरिजन है साटन से स्टीन वीव का। कह रहा है जी साटन इज ए वारफेस फैब्रिक, तुम्हें पहले दस दिता गया स्टीन इज ए वेफ्ट फेस फैब्रिक। एंड पर इंच इज मोर दैन पिक्स पर इंच इन साटन फैब्रिक। हूँ साटन जड़ा है वह वारफेस फैब्रिक है, इस करके इस पर्टिकुलर कपड़े एंड पर इंच ज़्यादा होंगे ने एज कंपेयर टू पिक्स पर इंच नालों। बट स्टीन जो कि वेफ्ट फेस फैब्रिक है ये पिक्स पर इंच ज़्यादा होंगे ने एज कंपेयर टू एंड्स पर इंच नालों। थर्ड पॉइंट, इट इज वूवन विद सुपीरियर क्वालिटी वार्प यार्न। क्योंकि साटन साडा वारफेस फैब्रिक है, वारफेस फैब्रिक होने करके एंड्स पर इंच ज़्यादा है, ठीक है, एंड्स की मेजोरिटी ज़्यादा कपड़े के, इस करके इस पर्टिकुलर फैब्रिक नूं जिहड़ा बनाने लई जिहड़ा वार्प का धागा यूज़ किया जाता वो सुपीरियर क्वालिटी का यूज़ किया जाता है। इस दे कंपैरिजन जिहड़ा स्टीन है इट इज वूवन विद सुपीरियर क्वालिटी वेफ्ट यार्न। बट जिहड़ा स्टीन है जो कि वेफ्ट फेस फैब्रिक है इस वेफ्ट फ्लोट आता कपड़े के, तो इस करके इस पर्टिकुलर कपड़े को बनाने लिए जो वेफ्ट धागा वो सुपीरियर क्वालिटी का यूज़ किया जाता है। साटन के वार्प सुपीरियर क्वालिटी का यूज़ किया जाता है, तो स्टीन के वेफ्ट यार्न सुपीरियर क्वालिटी का यूज़ किया जाता है। चौथा पॉइंट, द वीविंग कॉस्ट ऑफ साटन इज लोअर दैन स्टीन फैब्रिक। क्योंकि देखो जिस पर्टिकुलर कपड़े को बनाने लिए असी मशीन के शटल बॉक्सिस या नंबर ऑफ कलर जिन्हें घट यूज करेंगे उन्नी वीविंग कॉस्ट घट होएगी, ठीक है। हुण इस पर्टिकुलर साटन फैब्रिक दे विच की है, असी वेफ्ट साडा सिंगल ही हुंदा, वार साडा वार क्योंकि यह वार फेस फैब्रिक है जो अभी वार यूज करते हैं, ठीक है, यह वार की हैल्प के नाल बनता है। सो जड़ा भी कपड़ा विद दी हैल्प ऑफ वार के नाल बनेगा उसकी वीविंग कॉस्ट उन्होंने मशीन पर बनाने की जी कॉस्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट है वह हमेशा घट होगी। पर जड़ा स्टीन का फैब्रिक है क्योंकि एच की है असी बैटर क्वालिटी ऑफ वेफ्ट यार्न यूज करते हैं, मोर नंबर ऑफ पिक्स पर इंच है, जिस कपड़े विच पिक्स पर इंच ज़्यादा वजन गियाँ एज कंपेयर टू एंड्स पर इंच नालों उस कपड़े की प्रोडक्शन कॉस्ट वीविंग कॉस्ट वजेगी। सो स्टीन इज ए वेफ्ट फेस फैब्रिक, ठीक है, इस पिक्स पर इंच ज़्यादा होंगे इस करके यदि जी वीविंग कॉस्ट है एज कंपेयर टू साटन फैब्रिक नालों ज़्यादा है।
उसके बाद फिफ्थ पॉइंट कह रहे हैं कि ब्रोकन एंड मेनी टाइम्स अपेयर ऑन द फेस साइड दिस ड्रॉबैक्स ऑफ साटन फैब्रिक डज नॉट अलाउ एंड यूजर टू मेकिंग द गारमेंट ऑफ स्टीन साटन फैब्रिक। कई बार होता कि जिस तरह अभी साटन का कपड़ा बनाने हैं क्योंकि वार फेस फैब्रिक है विद द हेल्प ऑफ वार्प के नाल बनता है, अगर इनकेस कि वार्प टूट जाता है तो वह कपड़े की फेस साइड पर नजर आना शुरू हो जाता है। सो इस करके जरा मैनुफैक्चर है या यूजर है वो अपना गारमेंट साटन फैब्रिक को बनाने लिए अवॉइड करेगा। दूसरी साइड जरा स्टीन फैब्रिक है डज नॉट हैव ब्रोकन पिक्स इन इट। जरा स्टीन फैब्रिक है वो असी दस्या कि विद द हेल्प ऑफ वेफ्ट के नाल बनता है, विद द हेल्प ऑफ पिक्स के नाल बनता है, अगर एच ब्रोकन पिक्स आने के चांसिस घट होंगे ने। सो इस करके जरा मैनुफैक्चर या यूजर है वह स्टीन फैब्रिक को बनाना प्रैफर करेगा। ड्यू टू हायर एंड्स पर इंच द वार ब्रेकर रेट इन साटन इज मोर दैन स्टील, क्योंकि जोड़ा साडा साटन है वह वार फेस फैब्रिक है एंड्स पर इंच ज़्यादा होंगे ने। सो जिस कपड़े के एंड्स पर इंच ज़्यादा होंगे ने उस करके होंगे कि मशीन से वो वार ब्रेकेजिस होने के भी चांसिस ज़्यादा होंगे ने। सो दिस ब्रेकेज रेट रिफ्लैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फैब्रिक डिफेक्ट। सो जिस कपड़े के वार ज़्यादा टुटना शुरू हो जाएगा उन्ना ही कपड़े के डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो यूजर जोड़ा है वह कभी भी नहीं चाहेगा कि वह यहोजे टैक्निक के नाल अपना कपड़ा फाइनल गारमेंट वास्ते यूज करे। सिंस द स्टीन फैब्रिक हैज पिक्स पर इंच ग्रेटर दैन द एंड्स पर इंच दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प्स टू रिड्यूस द वार ब्रेक रेट ड्यूरिंग वीविंग एंड दस बैटर क्वालिटी रिजल्ट्स, क्योंकि इस स्टीन फैब्रिक दे विच की है एंड्स पर इंच घट होंगे ने पिक्स पर इंच ज़्यादा होंगे ने, इस करके वार ब्रेक रेट मशीन से घट होंगे है। वार ब्रेक रेट घट होने के जरा सा फैब्रिक की क्वालिटी है वो अच्छी बनती है एज कंपेयर टू साटन फैब्रिक। द एंड्स आर वेरी क्लोज टू सतमा पॉइंट द एंड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन द साटन फैब्रिक ड्यू टू हायर एंड्स पर इंच दीज एंड्स गेट रब टू ईच अदर ड्यूरिंग शेडिंग इन वीविंग एंड दिस एंड टू एंड रबिंग जनरेट हेरीनेस इन द फैब्रिक एंड दिस हेरीनेस कॉसेस स्पिलिंग इन द फैब्रिक एंड दिस ड्रॉबैक्स डज नॉट अलाउ एन यूजर टू मेक द गारमेंट ऑफ साटन। हूँ साटन फैब्रिक मैं क्या जी ये वारफेस फैब्रिक है एच एंडस पर इंच बहुत ज़्यादा होंगे ने, मशीन के उत्ते अगर एंडस पर इंच ज़्यादा होने तो उन्हें एंडस जो शैड बनेगा मशीन के उत्ते तो उन्हें एंडस एक दूसरे के नाल लग के चलन गए, जिन्हें नाल लग के चलन गए उन्नी ज़्यादा जिन्हें वो की है एक धागा दूसरे धागे ज़्यादा रगड़ वारता धागा एक दूसरे दूसरे धागे ज़्यादा रगड़ खाएगा, वो रगड़ खाने के होएगा धागे के रेशे निकलने शुरू हो जाएंगे जिन्होंने असं कहने पे इतने हेरीनेस हेरीनेस धागे की बजेगी धागे उत्ते रेशे स्ट्रक्चर छड़ के सर कप यान के सरफेस के उत्ते आने शुरू हो जाएंगे, उस यान की हेरीनेस वजेगी। जो यान की हेरीनेस वजेगी जो तो दो हेरी यान आपस रगड़ के चलेंगे तो वह की है आपस जो हेरीनेस जी यान के सरफेस उत्ते है वह आपस उलझ जाएगी, वो कपड़े से की है बॉल फॉरमेशन शुरू हो जाएगी जिन्होंने असी कहने ने पिलिंग, जड़ी रेशिया जड़े रेशे आपस से उलझ के जड़े फाइबर आपस से उलझ के बॉल कपड़े के सरफेस उत्ते क्रिएट करते हैं उसनों असी कहते हैं पिलिंग। तो पिलिंग यह भी कपड़े का डिफेक्ट है, इस प्रॉब्लम करके भी यूजर साटन के फैब्रिक नूं मशीन के उत्ते बनाना अवॉइड करेगा। जिस तरह असी सर्दियों में स्वैटर डालते हैं स्वैटर के उत्ते कई बार बॉल नहीं बनती उसनों असी कहने पिलिंग, वो किस तरह बनती है जो वुलन दे जड़े फाइबर ने वो आपस च उलझ जाते हैं, जो उलझ जाते हैं तो वह कपड़े के सरफेस उत्ते बॉल बनाते हैं, सेम इस तरह इस फैब्रिक दे विच भी है। बट इन केस ऑफ स्टीन फैब्रिक दे विच की है एंडस पर इंच घट होंगे ने और पिक्स पर इंच ज़्यादा होंगे ने, सो चांसिस टू जनरेट हेरीनेस इन द फैब्रिक आर रिड्यूस। सो हेरीनेस के चांसिस घट जाते हैं उस दे नाल उसकी पिलिंग फॉर्मेशन के भी चांसिस घट जाते हैं, तो इस करके यूजर स्टीन फैब्रिक को बनाना प्रैफर करेगा। Control of weft by shrinkage after washing is easy in processing and control of warp by shrinkage after washing is always an issue during the processing. क्योंकि असं कोई भी कपड़ा जो तो बनाने हैं उसकी वाशिंग करते हैं तो उस श्रिंकेज आती है। हूँ इस पर्टिकुलर साटन फैब्रिक के एंडस पर ज़्यादा ने, सो ये आफ्टर वाशिंग असी जी वार बाय श्रिंकेज है वो हमेशा ही इशू रहा, उसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफरेंट है। देर इज मोर वार वाइज श्रिंकेज आफ्टर वाशिंग इन स्टीन फैब्रिक टू टू लैस पिक्स पर इंच, क्योंकि इस पिक्स पर इंच घट होंगे जो योजे साटन फैब्रिक को असी आफ्टर वाशिंग देखते हैं तो इस वार वाइज श्रिंकेज बहुत ज़्यादा आती है। सो इस करके भी यूजर
श्रिंकेज प्रॉब्लम करके भी इसको अवॉइड करता है मशीन पे बनाना। दूसरी साइड स्टीन फैब्रिक दे विच की है, देयर इज लेस वार वाइज श्रिंकेज आफ्टर वॉशिंग इन स्टीन फैब्रिक देन द सर्टन फैब्रिक ड्यू टू हाई पिक्स पर इंच, क्योंकि स्टीन फैब्रिक दे विच पिक्स पर इंच बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एंड्स पर इंच, सो एज विच वार वाइज श्रिंकेज घट होती है एज कंपेयर टू सर्टन फैब्रिक। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक अलो एन यूजर टू मेक द गारमेंट ऑफ स्टीन फैब्रिक। सो इस खासियत करके ही जरा यूजर या मैन्युफैक्चरर है वो हमेशा स्टीन फैब्रिक नु बनाना प्रेफर करेगा। बट स्टीन का मैं सारे एक जो तो कंपैरिजन असि डिस्कस किया, यदा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टीन फैब्रिक का इन्ने बेनीफिट इन्होंने दसते हैं, बट अगर स्टीन फैब्रिक नु तुसी मशीन ते बनाना चाहोगे तो यदि वीविंग कॉस्ट तुहानू यह कॉस्टली ज्यादा पेगा तुहानू अगर तुसी मशीन ते स्टीन फैब्रिक बनाओगे। नैक्सट है इसमें ग्राफ पेपर से कंसट्रक्ट करने का मैथड की है, सर्टन स्टीन वीप इट कैन बी कंसट्रक्टेड बाय टू मैथड, दो मैथड के इस ग्राफ पेपर से कंसट्रक्ट किया जा सकता है, रैगुलर मैथड से इरैगुलर मैथड। ठीक है, ये जो असं ग्राफ पेपर डिस्कस करा उस क्लीयर हो जाएगा। तो मैं तुम्हें दसिया कि सर्टन स्टीन वीप में जो ग्राफ पेपर से कंसट्रक्ट करना वो असं कंसट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग नंबर और मूव नंबर। उस काउंटिंग नंबर को कैलकुलेट असं किस तरह अभी डिसाइड करते हैं कि अगर 4x4 का ग्राफ पेपर है तो उसमें केड़ा काउंटिंग नंबर अभी यूज करेंगे, और की है और फार्मूला टोटल एंड डिवाइडेड बाय टू। मान लो साढ़े को टोटल एंड गए चार, चार डिवाइडेड दो इज इक्वल टू दो, एक्स साडा हो गया दो, उस तो बाद दो दे एक्स माइनस वन मीनस दो माइनस एक किया तो इतने साढ़ा आ जाएगा एक। सो साडा जिहड़ा सी 4x4 ग्राफ वास्ते जिहड़ा काउंटिंग नंबर यूज करेंगे दैट विल बी 1। टोटल एंड डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू x, टोटल एंड सपोज 4 ने, 4 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 2। हुण उस 2 दे विचों माइनस 1 कर दिओ, वो तुहाडा फाइनल काउंटिंग नंबर है जो तुसी उस ग्राफ पेपर नूं बनाउण लई उस पर्टिकुलर सर्टन स्ट्रीम नूं ग्राफ पेपर ते बनाउण लई तुसी यूज करोगे। मैं उम्मीद है कि तुम्हें मेरे वालों दिता लैक्चर समझ आ गया है। ठीक है, अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो तुम मैं दस सकते हो। थैंक यू।